आप देख रहे हैं उजी टेक। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपके फ़ोन का डाटा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि आप अपने फ़ोन में एप्लीकेशन जो यूज़ करते हो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट होती है वह भूल जाते हो, उनको हटाना भूल जाते हो। आपके फ़ोन में डाटा इजीली रनिंग करता ही रहता है तो आप भूल जाते हो उसमें कि यार अब इसका डाटा तो ख़त्म हो गया और मुझे और भी काम करने थे। तो ऐसे आप बहुत सारी परेशानी में उलझ जाते हो। तो आपका तो छोड़िए सब कुछ, तो इसी पर्पज़ के ऊपर मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको शुरू से एंड तक पूरा देखना है और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए इस वीडियो पे सबसे। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, कोई एप्लीकेशन यूज़ नहीं करना, कोई थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन इसमें यूज़ नहीं करना, कोई सोशल वेबसाइट पे या कोई एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल नहीं करना है। तो आपको ओनली ऑन वन सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। अब यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा मेरे मोबाइल की सेटिंग है। तो इसमें क्या होता है कि देखो अबाउट फोन होता है और एक होता है इसमें एडिशनल सेटिंग, ठीक है, ये वाला। इसमें दो ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले एक होता है, इसमें आपको पहले ही बता देता हूँ, देखिए एक होता है डेवलपर ऑप्शन जो हमारे पूरे फ़ोन को डेवलपर करता है। तो उसको मैनेज करने के लिए यानी इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपके पास, ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि आपके पास अगर एम आई का फ़ोन है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अबाउट सेटिंग में जाना है, ठीक है, अबाउट फोन में। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए MIUI वर्जन ये लिखा होता है। अब ये ग्लोबल वर्जन इजीली होता है कि आपके फ़ोन का जो डेवलपर ऑप्शन है वो ओपन कैसे होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इस पर 7 बार टैप करना है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे। ये मैंने ऑलरेडी डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर रखा है, आप भी ऐसे ही कर लें। अगर आपके पास, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, परेशानी ज़्यादा मत करना, और आपको नहीं पता है अगर आपके पास अदर कंपनी का फ़ोन है जैसे सैमसंग, ओप्पो, अदर बहुत सारे फ़ोन्स होते हैं, इनमें ये ऑप्शन अलग होता है थोड़ा। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक एडिशनल सेटिंग होती है, जैसे यहाँ पे MIUI वर्जन होता है वहाँ पे ही ऐसी सेम सेटिंग होती है वर्ल्ड नंबर। तो उस पर भी आप 7 बार टैप करेंगे तो वो डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि डेवलपर ऑप्शन आपको अब कहाँ मिलेगा। तो यहाँ से बैक आ जाते हैं, तो यहाँ से बैक आने के बाद होता है एक फ़ोन में एडिशनल सेटिंग होती है, ठीक है, इसको एक बार आप ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये होता है डेवलपर ऑप्शन, ये मेरे में। तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए आप कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा इसमें, ऐसा, ये मैंने अभी बंद किया है, पहले मैंने ओपन कर रखा था। तो इसमें ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आपको ऑलरेडी ओपन करके रखना है, ठीक है। यहाँ पर आ गया अलो डेवलपर सेटिंग, डेवलपमेंट सेटिंग, तो इसको आपको ओके कर देना है। तो आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, सबसे आपको नीचे आ जाना है। अब नीचे आने के बाद आपको दिखेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, मैं आपको देखो टैप करके दिखा रहा हूँ, ये वाली एक सेटिंग होती है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए जो मैंने जो फर्स्ट टाइम आपको बताया था, जो आप अपने फ़ोन में जो पहले से ऑलरेडी रनिंग कर रहे होते हैं जो एप्लीकेशन, वह भूल जाते हैं, आप इंटरनेट बंद करना भी भूल जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपके फ़ोन का जो मेमोरी होती है वो मेमोरी भी ऑलरेडी उसमें बढ़ती जाती है, और क्या होता है कि आपका बैटरी बैकअप भी ख़राब होता है और फ़ोन हैंगिंग प्रॉब्लम में आ जाता है। तो ऐसे कोई सिस्टम नहीं है, मैं एकदम फाड़ू वीडियो बना के लाया हूँ यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, देखिए आपके फ़ोन का डाटा आज से कतई ख़त्म नहीं होगा, मैं एक गारंटी लिख के दे रहा हूँ आपको इस वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, ऐसी वीडियो कोई भी नहीं लेके आया जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट है ना, इसको आपको टैप करना है एक बार। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, अब इनका मैं आपको मतलब समझाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, ज़्यादा नहीं। आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे क्लिक करना। अब इससे क्या होता है कि नो बैकग्राउंड प्रोसेस, अब इसमें जो भी ऑलवेज फ़ोन में जो कुछ भी रनिंग होगा ना, आप एक बार उसको हटा दोगे। जैसे मैं दिखा देता हूँ, अब देखिए मेरे फ़ोन में क्या क्या ये सारा कुछ चल रहा है, लेकिन ये रनिंग नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही इसमें ये नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट ओपन कर दिया, यानी इसको चेंज कर दिया है। अब
यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पे ही टैप करना है। तो इससे क्या होता है कि आपके फ़ोन का जो भी डाटा पर्पस वगैरह सब कुछ होता है वो ऑलरेडी ख़त्म हो जाता, बंद हो जाता है। वो आप जब यूज़ करोगे तभी आपका फ़ोन का डाटा ख़त्म होगा और थर्ड पार्टी के कोई भी एप्लीकेशन है तभी यूज़ होगा जब आप उस एप्लीकेशन का यूज़ करोगे, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे अदरवाइज सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो। तो इसमें यही होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए ना तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तुम्हारा भाई बिंदास वीडियो बनाता है। और हाँ, अगर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए, जैसे आज मैं वीडियो डालूँ या कल डालूँगा, तो आपको क्या करना है कि एक घंटे का बटन आता है उस पर प्रेस कर देना है, जो कि मैं अगली वीडियो की जानकारी लाऊँ तो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों अगर देखिए यहाँ पर भी आपको बता दे रहा हूँ, अगर ये सेटिंग समझ नहीं आई, अगर आपके पास कोई दूसरा फ़ोन है तो आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट सेक्शन में सभी ने मुझे कमेंट किए कि हाँ भाई इस फ़ोन के ऊपर, उस फ़ोन के ऊपर बना के लाओ, तो मैं सभी की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में ही इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।